हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज बनाने जा रही हूँ मैं काबली चना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6 से 7 घंटे के लिए चने को भिगो कर रखा था। तो ये देखिए एकदम फूल चुके हैं। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ली है और प्याज ली है छोटे साइज के 4, और 2 टमाटर है और ये लहसुन है। तो देखिए यहाँ पर मैं इनको अच्छे से धोकर साफ कर लेती हूँ। यहाँ पर ये प्याज को भी, हरी मिर्ची को भी और टमाटर को भी, इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ मैं। और फिर मैं आज काबली चने की रेसिपी बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम काबली चने कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने धो लिया इन सबको, अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पर मैंने प्याज को काटा है लंबे तरीके से, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, और टमाटर भी काटा है। और यहाँ पर मैं हरी मिर्ची और ये लहसुन है, जो ये इसे कुंडी बोलते हैं हम, कुंडी छोटा, इसमें पीस रही हूँ मैं हरी मिर्ची और लहसुन को बारीक करके। ये अच्छे से पीस जाए इसलिए मैं इसमें हल्का सा नमक डाल रही हूँ, ताकि ये हरी मिर्ची है जो अच्छे से पीस जाए इसके अंदर। तब तक मैं पहले कुकर रख लेती हूँ गैस पे तेल गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया है और उसमें तेल डाला है। तब तक मैं ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पीस लिया है और हमारा तेल भी गर्म हो ही चुका है। तो देखिए यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच, और यहाँ पर मैं साथ ही इसके प्याज डाल रही हूँ। ये देखिए प्याज अच्छे से इसको पका लेना है गोल्डन कलर आने तक। मैं इसके साथ ही लहसुन पीसा हुआ ये भी डाल दूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये लहसुन भी डाल दिया मैंने, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर 2 मिनट के लिए रख देती हूँ, ताकि ये प्याज है जो अच्छे से पक जाए। ये देखिए यहाँ पर प्याज हमारा गोल्डन कलर में आ चुका है। तो मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ, काबली चने में हींग डालते हैं तो अच्छा रहता है, तो मैंने इसमें हींग डाल दी है। और मैं साथ ही इसके टमाटर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर नमक का कम यूज करना है, क्योंकि मैंने नमक लहसुन पीसा था तब डाला था हल्का सा। तो यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ जो टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, और अभी इसे भी पका लेना है 2 मिनट के लिए। तो मैं इसमें मिर्च का भी कम यूज करूँगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट के बाद टमाटर है जो अच्छे से गल चुके हैं, और इसमें और मसाले ऐड कर लूँगी मैं। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिर्च का और नमक तो मैंने डाल रखा था, कम यूज किया है। और मैं आप इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी अच्छे से मिक्स करके, जो मैंने वो वहाँ पर लहसुन और मिर्ची पीसी थी वही पानी मैंने उसको थोड़ा सा हल्का सा ये देखिए मैंने उसमें से धोकर डाल दिया है। और इसे अच्छे से पका लेना है 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से पक चुका है। तो मैं ये पक चुका है, मैंने इसमें काबली चना है जो ये डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें पानी को ऐड करूँगी, कम से कम 1 लीटर पानी, क्योंकि ये कच्चे चने हैं, इसमें इनको मैंने उबाला नहीं है। ये इसमें 6 से 7 सीटी आने तक इसको अच्छे से पकने दूँगी मैं। देखिए यहाँ पर ये इसमें इतना पानी तो लगता ही है, क्योंकि 6-7 सीटी आने के बाद
ये गाढ़ी हो जाती है इसकी तरी है जो, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ 7-8 सीटी लगवा ली थी मैंने। और ये देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार है। तो मैं इसमें ये चना मसाला डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच के आसपास। तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे चैनल पर ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।